हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यासिर अली क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अलीगढ़ मूवमेंट। आप सब लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, सर अलीगढ़ मूवमेंट पे वीडियो बनाइए, अलीगढ़ मूवमेंट पे वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं अलीगढ़ मूवमेंट में। अलीगढ़ मूवमेंट में जाहिर सी बात है, जो अलीगढ़ के तलबा होंगे या अलीगढ़ में तलाबुल इल्म होंगे, उन सबको पता होगा कि अलीगढ़ मूवमेंट में क्या होता है। जो अलीगढ़ से ताल्लुक़ नहीं रखते उनको मैं बता दूं कि अलीगढ़ मूवमेंट का मतलब ये है कि इंडिया में जो मॉडर्न एजुकेशन का कंसेप्ट आया वो किस तरह आया और उसको कौन लेकर आया। मॉडर्न एजुकेशन क्या होता है, यानी पहले ज़माने में मुस्लिम्स जो हैं वो अरबिक फोकस थे, ठीक है, अरबी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे, मदरसा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। तो मॉडर्न एजुकेशन का मतलब वो एजुकेशन जो कि इंग्लिश को मुसलमानों के जहनों में डाला गया कि इंग्लिश भी ज़रूरी है, और मॉडर्न सोसाइटी को एक क्रिएट करने की कोशिश की गई, इसको हम बोलते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। ये कहीं ना कहीं अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब अलीगढ़ मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम सब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है नाम सर सैयद अहमद ख़ान का। किसका आता है, सर सैयद अहमद खान का। अब ये कौन जनाब थे इनके बारे में पढ़ेंगे अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात कि सर सैयद अहमद का नाम था सैयद अहमद। सैयद इसलिए लगाते थे ये क्योंकि इनके वालिद और उनके वालिद और उनके वालिद, इस तरह जो सिलसिला था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता था, यानी ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के डिसेंडेंट हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो सैयद रखा, यानी सैयद इनके नाम के आगे लगा। सैयद यकीन याद रहे कि सैयद कोई नाम नहीं है, सैयद एक ज़ात होती है। जिनकी नस्लों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है उन तमाम लोगों को हम इज्जत के एतबार से सैयद बुलाते हैं, और सैयद का लघवी माना डिक्टोरियल माना जो है वो सैयद का होता है सरदार। क्या होता है, सरदार, ठीक है। तो सैयद अहमद आपका नाम रखा गया, नाम क्या था, अहमद बिन मुत्तकी, यानी मुत्तकी के बेटे सैयद अहमद, ये आपका नाम है। अब बात करेंगे आपकी पैदाइश, तो आपकी पैदाइश हुई है 17 अक्टूबर 1817 में। 1817 में, 17 अक्टूबर 1817 में क्या हुई है, आपकी पैदाइश हुई है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद जगह कौन सी थी, वो दिल्ली थी। मुग़ल एम्पायर का दौर था। मैं आपको मुग़ल, जब मेरी आप जिन लोगों ने मेरी मुग़ल एम्पायर की वीडियोस नहीं देखी हैं, मुग़ल सल्तनत की वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज़ जाकर मुग़ल सल्तनत पूरा एक बार देखें, आपके कोर्स के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है मुग़ल सल्तनत खासकर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मुग़ल इरा की। तो मुग़ल इरा कौन सा था, पहली लड़ाई जो बहादुर शाह जफर ने लड़ी थी वो 1526 से लड़ी थी, बाबर ने, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, पहली लड़ाई बाबर ने लड़ी थी, इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वो कब लड़ी गई, 1526 को लड़ी गई, और कब तक चली मुग़ल हुकूमत, तो लास्ट बहादुर शाह जफर, जिसका नाम अबू जफ़र भी बोलते हैं कुछ लोग, अगर आप गालिब की सीरीज़ देखेंगे तो उसमें नाम अबू जफ़र लिया गया है, बहादुर शाह जफ़र लिया ही नहीं गया है। तो अबू जफ़र या बहादुर शाह जफ़र सेकंड भी कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफ़र का जो पीरियड था वो 1857 तक रहा, जिसको हम रिवोल्ट बोलते हैं, या फिर पहले जंग अजीम भी बोलते हैं, पहली जंग आज़ादी भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1526 से लेकर 1857 का बीच का जो दौर है उसको बोलते हैं मुग़ल एम्पायर इरा। क्या बोलते हैं, मुग़ल एम्पायर इरा, यानी ये वो दौर है जब हिंदुस्तान पर मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत थी। तो आइए, सर सैयद अहमद ख़ान भी किस हुकूमत में आए हैं, जब हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी, मुग़ल सल्तनत की हुकूमत थी, ठीक है। इनको किस नाम से ज़्यादा पुकारा गया, जैसे कई बार लोग होते हैं वो अपने असल नाम से पुकारे नहीं जाते, किसी और नाम से पुकारे जाते हैं। एग्जाम्पल दे दूँ आपको, एग्जाम्पल गालिब, गालिब अपनी असल नाम से पुकारे ही नहीं गए, गालिब का कोई गालिब नाम थोड़ी है, गालिब का नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खान, ये अगर पूरा देख लें तो था मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। इसमें कहीं गालिब आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया था, जो कि शायरी में इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं, उसको उसमें उन्होंने अपना नाम रखा गालिब, तो वो पूरी दुनिया में गालिब के नाम से मशहूर हुए, हालांकि उनका नाम ही गालिब नहीं था। इसी तरह सर सैयद अहमद ख़ान जो नाम से मशहूर हुए, किस नाम से मशहूर हुए, सर सैयद के नाम से मशहूर हुए। सर सैयद के नाम से मशहूर होने के बाद ये एक इंडियन मुस्लिम्स प्रैग्मेटिस्ट थे, यानी मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को सोचने वाले, नई नई क्रिएटिविटी को मुस्लिम्स कम्युनिटी में लाने वाले वो थे। इंडिया इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट कौन होते हैं, रिफॉर्मिस्ट वो होते हैं जो चेंज लेकर आए सोसाइटी में, या जो चीज़ पहले से चल रही है एक ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना, उसको हम बोलते हैं रिफॉर्म कर देना। तो इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट थे, फिलोसोफर थे, और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में क्या थे,
19 सेंचुरी में जब ब्रिटिश इंडिया आई तब इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद बॉर्न इन टू नोबिलिटी विद स्ट्रॉन्ग टाइज विद मुगल कोर्ट, मुगल सल्तनत के इनका जो खानदान था वो बहुत अच्छे से टाइप रखता था। जाहिर सी बात है आजकल कोई सूफी तो मिलता नहीं है, तो अगर मुगल कोर्ट हुए हैं तो उनके उनसे अच्छा टाइप रहेगा, फिर बाद में अंग्रेज आए तो उनसे भी अच्छा टाइप बना लिया, तो फिर वही वाली बात, पैसे वाले का कोई धर्म नहीं होता, वो जिधर बड़ा वो उधर ही भागता है। तो वो मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं दे रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जब मुगल कोर्ट था तो इनके बहुत अच्छे टाइप किससे थे, मुगलों से थे, लेकिन जब मुगलों के बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से भी इनके बहुत अच्छे टाइप्स रहे। आइए देखते हैं, सैयद जो स्टडी थी कुरान पर थी, साइंसेस पर थी, यानी जो मॉडर्न साइंस थी उन पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और कुरान मजीद बुरहान रशीद पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी तफसीर भी कुरान मजीद की लिखी है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। विद इन द कोर्ट एंड लेटर स्टडी लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से क्या किया था, लॉ पढ़ा था, कानून की पढ़ाई करी थी। फादर का नाम क्या है, मीर मोहम्मद मुत्तकी। माँ का नाम क्या है, अजीज़ुन्निसा। माँ का नाम क्या, अजीज़ुन्निसा। अभी यूनिवर्सिटी में एक नया हॉल भी बना है, जो पूरा हॉल लड़कियों का है, वो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हॉल है, ठीक है, सबसे बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, कई आई थिंक 1600 to 2000 बेड्स का हॉल है लड़कियों का है, उनका उस हॉल का नाम भी रखा गया है अजीज़ुन्निसा हॉल। और अजीज़ुन्निसा याद रखिएगा कौन थी, सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा थी, मदर थी। ग्रैंडफादर पैटर्नल और मैटर्नल, पी फॉर पापा, एम फॉर मम्मी, मम्मी की तरफ से नाना, पापा की तरफ से दादा। तो दादा का नाम था सैयद हादी, दादा का नाम क्या था, सैयद हादी, वालिद का सैयद मुत्तकी, और दादा और वालिद का सैयद हादी। नाना का नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन। अब ये फरीदुद्दीन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फरीदुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, जिनके बारे में मैंने सूफी मूवमेंट में आपको पढ़ाया था, वो फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलग हैं, ये ख्वाजा फरीदुद्दीन अलग हैं। हालांकि ये भी कुछ बुक्स में मिलता है कि सूफी थे, लेकिन हरगिज़ हरगिज़ इनको उनके मुकाबले ना समझा जाए जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह थे, वो इनसे कई सौ साल पहले गुजर चुके हैं। वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के भी उस्ताद हैं, ठीक है, बात समझ में आई। इनकी वाइफ का नाम था पारसा बेगम, कुछ बुक्स में पारशा बेगम भी लिखा है लेकिन वो गलत है, पारसा बेगम आपका नाम था। पारसा का मतलब होता है तैयब, पाक, पारसा का मतलब पाक, कहते हैं तुम तो खुद बहुत पाक साफ सुथरी हो, पारसा हो, तो पारसा का मतलब पाक हो जाना, साफ सुथरा रहना, ठीक है। चिल्ड्रंस कौन थे, आमिना आपकी बेटी का नाम था, सैयद हामिद आपके बेटे का नाम था, सैयद महमूद आपके बेटे का नाम था। आपको बहादुर शाह जफर ने दो टाइटल दिए, पहला टाइटल था जिसका नाम था आरिफ जंग, क्या नाम था, आरिफ जंग, और दूसरा टाइटल 1842 में बहादुर शाह जफर सेकंड ने दिया था, वो था जवादुद्दौला। ये मुगल कोर्ट से दो टाइटल आपको मिले, समझ में आ गई बात। उसके बाद आपका इंतकाल कब हुआ, आपको नजर तो आ रहा है ना, ये थोड़ा सा मैं ये बड़ा कर दूं, हाँ आप ठीक है। आपका इंतकाल हुआ 27th of March 1898 में, उस वक्त इनकी उम्र थी 80 साल, जगह थी अलीगढ़, और ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में हुआ, यानी देखिए जब पैदा हो रहे हैं तो 1817 में हो रहे हैं, जगह दिल्ली है, जब मर रहे हैं तो उनकी उम्र है 80 साल, डेट है 1898, और जगह क्या है, अलीगढ़। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हिस्टोरिकल वर्क्स आपके क्या थे, हिस्टोरिकल वर्क्स का मतलब आपने कौन कौन सी किताबें लिखी जिनकी वजह से आपको जाना पहचाना जाता है, तो उसमें पहली किताब बड़ी मशहूर हुई असबाब बगावत हिंद। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, जो किसने किया था, बहादुर शाह जफर सेकंड ने किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो ये रिवोल्ट किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो ये पहली जंग आज़ादी लड़ी गई थी, इसकी कमियां बताने के लिए ये किताब लिखी गई, जिसका नाम क्या था, असबाब बगावत हिंद, यानी हिंद में जो बगावत हुई 1857 में उसके असबाब क्या रहे, उसके असबाब मुरतब करें, इन्होंने इस किताब में लिखा है, रीजंस फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। दूसरी आईने अकबरी, आईने अकबरी एक नया एडिशन था, आईने अकबरी आप सबको पता है, आईने अकबरी क्या है, आईने अकबरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि आईने अकबरी एक बुक है जो अकबर की बायोग्राफी है, जिसमें जिस किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल ने, इसका नया एडिशन लिखा आईने अकबरी के नाम से। उसके बाद असरारुस्सनादीद, असरारुस्सनादीद एक किताब, ये देखिए दिल्ली लिखा है ना, तो असरारुस्सनादीद एक किताब लिखी जो बेसिकली किस पर थी, दिल्ली के जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, खासकर मेहरौली में जितने भी, क्योंकि मेहरौली को मैं आपको, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देख चुके हैं तो एक देख चुके हैं और फॉलोअप कर रहे हैं मुझे लगातार, तो आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं होगी, आप खुद बताते जाओगे आईनी अकबरी क्या है, असरारुस्सनादीद क्या है, सब बताते चले जाओगे। असरारुस्सनादीद वो है
वो किताब है जो लिखी गई थी हिस्टोरिकल वर्क्स पे, यानी दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए थे उन मॉन्यूमेंट्स पे ये किताब लिख मुरतब फरमाई गई, जिसका नाम क्या था, असरारुस सनादी। पहले सैयदुल अखबार जो 1847 में, फिर जाम जम लिखी अकबराबाद में 1940 में, फिर सिलसिलतुल मुलूक लिखी और मुसरफुल मतबा, मकतबा होगा ये बेटा, ठीक है, मकतबा लिखी दिल्ली में। 1852 में तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी, जो नया एडिशन फतूहत फ़िरोज़ शाही की बाद ये क्या आ गया, तारीख़ फ़िरोज़ शाही आ गया। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में फाउंड की 1862 में, और फिर तुजूक जहांगीरी का नया एडिशन लिखा 1864 में। यहाँ तक बात क्लियर है, ये आपके वर्क्स हो गए। अब बात करते हैं सर सैयद के एक मूवमेंट की, जिसको इस अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली कहा जाता है, जिसके बेसिस पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बिगिन प्रिपम फाउंडेशन फॉर्मेशन ऑफ अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इन्होंने स्टार्ट किया, यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, मुरादाबाद में एक स्कूल खोला। कब, 1858 में, 1858 में इन्होंने पहला स्कूल खोला, जो कहाँ खोला था, मुरादाबाद में खोला था। मुरादाबाद के बाद दूसरा स्कूल इन्होंने जो खोला वो गाजीपुर में खोला, देखते हैं कब, तो वो खोला 1863 में, तकरीबन 5 साल के बाद, 4 से 5 साल के बाद इन्होंने गाजीपुर में। अब देखो बेटा, डेली अगर आज भी मुरादाबाद से कोई गाजीपुर डेली अप डाउन करे ना, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। और उस ज़माने में हाँ, अब देखिए तो डेली अप डाउन गाजीपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से गाजीपुर, ये बहुत ही हैप्टिक था। आज के ज़माने में भी अगर आप देखें, जबकि इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, उसके बावजूद इतनी ट्रेन्स चल गई, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई शख्स अलीगढ़ और गाजीपुर दोनों जगह अपना काम और हर हफ्ते आना जाना रखे, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसकी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, ट्रांसफ़र कर लिया मुरादाबाद से कहाँ पर, गाजीपुर में। अपना जो स्कूल था वो ट्रांसफ़र कर लिया कहाँ, गाजीपुर में। अब जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट था वो गाजीपुर में था। फिर एक साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में बनाई गई 9th of January 1864 में। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को डेट्स याद नहीं हो रही, आप मेरा एक सेशन है, आई थिंक यूट्यूब पर ही है, यूट्यूब पर एक सेशन है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BA के अगर आप डालेंगे या 11th के अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे, मेरी वीडियो होगी और 100 से ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस हैं। उसमें सारी डेट, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ इस्टेब्लिश हुई, कैसे इस्टेब्लिश हुई, ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ मूवमेंट के रखे हैं। आप उसको जाकर एक बार विजिट करें और देखें। वैसे आपके एग्जाम्स आने से पहले पहले मैं वो एक बार दोबारा डिस्कस करूँगा आप लोगों से आके, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो एक बार आपके जहन में नशीन हो जाएगा कि भाई ठीक है, ये चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे हम लोगों को पढ़ना है। तो 9th of January 1864 को इस्टेब्लिश की गई गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी। फिर ये गाजीपुर से कहाँ शिफ्ट कर ली गई, अलीगढ़, हमारा अपना प्यारा अलीगढ़। अब जिक्र होगा अलीगढ़ का, यहाँ से बात शुरू होगी अलीगढ़ की। अलीगढ़ शरीफ, क्योंकि कोई अलीगढ़ शरीफ नहीं कहता भाई, बदायूं शरीफ हो गया, बरेली शरीफ हो गया, मारे शरीफ हो गया, अजमेर शरीफ, अलीगढ़ कोई शरीफ नहीं, अलीगढ़ बदमाश नहीं है, अलीगढ़ भी शरीफ है। खैर, तो सर सैयद ने जब ट्रांसफ़र की कहाँ पर, अलीगढ़ में। उनका पर्पस था कि साइंटिफिक सोसाइटी को ट्रांसलेट वेस्टर्न वर्क्स इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, यानी जो वेस्टर्न सोसाइटी की बुक्स हैं इंग्लिश में हैं और वेस्टर्न जो लैंग्वेजेस में हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू में, अरबी में और उन जबानों में जो हिंदुस्तान में आम हैं, जो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, उन जबानों को, यानी फॉरेन लैंग्वेजेस की बुक को इंडियन लैंग्वेजेस में क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। इसके लिए इन्होंने इस्टेब्लिश की साइंटिफिक सोसाइटी, पहले गाजीपुर में, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, अलीगढ़ शहर में। और कब करी, 9th of January 1964 में करी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। फिर इन्होंने बनाया मदरसतुल उलूम, देखिए यहाँ पर सही लिखा है मदरसतुल उलूम, मदरसा होता है मदरसतुल उलूम नहीं, मदरसा और मदरसतुल उलूम। ये 1875 में और 1875 में इस्टेब्लिश किया गया और 1877 में सर सैयद ने मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी अलीगढ़ शहर में, जिसको हम MAO कॉलेज भी बोलते हैं। क्या नाम है, मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको हम MAO कॉलेज बोलते हैं। अलीगढ़ में इसकी बुनियाद रखी गई एंड पैटर्न द कॉलेज आफ्टर ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज दैट ही हैड विजिटेड ऑन अ ट्रिप टू इंग्लैंड।
हुआ क्या था, सर सैयद एक बार इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाकर जो जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न ऑफ स्टडीज़ थे, इनको बहुत गहराई से मुताला किया, बहुत गहराई से देखा कि इन लोगों का वे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इनका वे ऑफ स्टडी क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है पूरा पढ़ाई का। उसके बेसिस पर आप इंडिया में आकर अलीगढ़ शहर में अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी तामीर करना चाहते थे, ताकि जो फॉरेन बच्चे जिस कदर तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी तेज़ी से आगे बढ़ें। ये ख्याल सोचकर इन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी और फिर उसको बदल दिया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, जो कि अलीगढ़ में था। ठीक है, और पैटर्न क्या था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज का। इसका 1877 में जो फाउंडेशन स्टोन लिखा रखा था, वो रखा था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कॉलेज बिल्डिंग, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले जब कॉलेज बना तो अब कोई कॉलेज जो है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है और उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। जैसे अलीगढ़ में एक बड़ा मशहूर ज़माना कॉलेज है जिसका नाम है अल बरकात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और अल बरकात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अल बरकात पूरा एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे शोबाजात हैं। तो अल बरकात जो है वो एफिलेटेड है AKTU से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी कॉलेज होता है, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से क्या होता है, एफिलेटेड होता है उससे। अब क्या होता है, जैसे जितने भी स्कूल्स हैं वो CBSE से एफिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो एफिलेशन था कॉलेज का, वो किससे था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से था, और बाद में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ, कब, 1885 में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, MAO कॉलेज का। उसके बाद जो वॉइसरॉय थे इंडिया के, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, वो इस कॉलेज में आए थे 1901 में, और उन्होंने बहुत प्रेज़ किया था इस काम को कि भाई जो आप काम कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत अच्छा काम है। अब एक गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला गया, और वो स्कूल कहाँ, कब खोला गया, 1907 में। फिर 1920 में देखिए कॉलेज कब फाउंड हो रहा है, कॉलेज हो रहा है, कॉलेज कब हो रहा है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, कॉलेज कब हो रहा है, कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है 1877 में, और फिर यूनिवर्सिटी कब बन रही है, 1920 में। यूनिवर्सिटी कब बनी प्रॉपर हमारी, 1920 में। यहां पर एक बात और बताता चलूं, आपको पता है यूनिवर्सिटी 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो है, लेकिन 1920 में एक और यूनिवर्सिटी बनी है जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान ने बनाई थी। तो जामिया का फाउंडेशन ईयर भी कौन सा है, 1920, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, 1920। फाउंडेशन स्टोन नहीं, सॉरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कन्वर्ट कॉलेज से बनी, कॉलेज से कन्वर्ट हुई यूनिवर्सिटी में, कब, 1920 में। 1927 में यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल भी खोला गया, जो आज भी शमशाद मार्केट में मौजूद है। आप लोगों का इंशाल्लाह सेलेक्शन हो, शमशाद मार्केट में जाकर वहाँ विजिट करिएगा। उसके बाद क्या है, इन एडिशन टू दिस इट हैज इट्स थ्री ऑफ कैंपस सेंटर्स। ऑफ कैंपस सेंटर्स बेटा वो सेंटर्स होते हैं जो अलीगढ़ के अलावा भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही जमीन पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही डिग्री के साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई करते हैं। वहां पे तालिब इल्म जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही तालिब इल्म कहलाते हैं। वो कहाँ कहाँ है, यानी एक तरह से यूनिवर्सिटी के और भी सेंटर्स हैं, एक मल्लमपुरम में है जो कि केरला में है, बहुत खूबसूरत जगह है, मुर्शिदाबाद में है जो वेस्ट बंगाल में है, जो कलकत्ता से थोड़ी सी दूरी पे है, जो किशनगंज में है जो बिहार में है, जहाँ की हालत थोड़ी खस्ता है, गवर्नमेंट वहाँ पर ज़्यादा जो है ज़्यादा गवर्नमेंट उसको जो पे करती है वो बहुत ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, तो ये तीन सेंटर हो गए, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला में, जिसका नाम मल्लमपुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज सेंटर है। मोटो क्या था, मोटिव क्या था, मोटो क्या था इंग्लिश में, तो कहते हैं टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो, इंसान को वो सिखाओ जो वो ना जानता हो, ये मोटो था। फर्स्ट चांसलर कौन थे, सुल्तान जहां बेगम, रूलर नहीं, नवाब कहेंगे बेटा, नवाब या नवाबजादी कह सकते हैं, भोपाल की ये नवाबजादी थी जिनका नाम क्या था, सुल्तान जहां बेगम, जिनकी यहां पर बिल्डिंग भी है सुल्तान जहां के नाम से। प्रेजेंट चांसलर कौन थे, प्रेजेंट चांसलर मुफद्दल सैफुद्दीन, मुफद्दल सैफुद्दीन, ये एक कम्युनिटी है, मुस्लिम्स में ये कम्युनिटी होती है, और मोदी जी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाते रहते हैं। ठीक है, तो उस कम्युनिटी के हैं, ठीक है, जिसको बोहरे बोलते हैं,
हैदराबाद और मुंबई में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये मुफद्दल सैफुद्दीन भी कहाँ रहते हैं, वहीं रहते हैं, मुंबई में ही रहते हैं। तो बोहरे कम्युनिटी है ये, बोहरा कम्युनिटी में मोदी जी से बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि मोदी को गरीब मुसलमान पसंद नहीं है लेकिन अमीर मुसलमान बहुत पसंद है, और इन पर बेशुमार पैसा है। अब बात करते हैं फर्स्ट वाइस चांसलर की, तो वो मोहम्मद अली मोहम्मद खान, राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद। प्रेजेंट वाइस चांसलर कौन है हमारे, तारिक मंसूर साहब, जिनके बारे में बेहद नारा मशहूर है, मैं यहाँ पर ऑन एयर नहीं बोल सकता। खैर, तारिक मंसूर अभी भी हमारे बीच ही हैं, ठीक है। फर्स्ट, अब बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, और इस्टेब्लिश हुई ब्रिटिश रूल 1920, अभी आपको बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई है 1920 में, और ये भी 1920 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। एक एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था 1988 में, और इसके फाउंडर कौन थे, मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान, ये दोनों इसके क्या थे, फाउंडर थे। जामिया हमदर्द की हम बात कर लें तो इंस्टीट्यूट था हायर एजुकेशन के लिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम मतलब मान लिया गया ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्रॉपर तरह से अभी इसको यूनिवर्सिटी का हक हासिल नहीं है। और इस्टेब्लिश हुई 1989 में, इस्टेब्लिश करने वाले हकीम अब्दुल हमीद इस यूनिवर्सिटी के क्या थे, फाउंडर थे। बात करते हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पहले कॉलेज थी बाद में यूनिवर्सिटी बनी, बनारस की है, वाराणसी भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, उत्तर प्रदेश में है। और 1916 में यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया से 4 साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया बाय मदन मोहन मालविया, मदन मोहन मालविया इन लोगों ने इसको क्या किया, इस्टेब्लिश किया। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक तो हो गई यूनिवर्सिटी की पूरी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ फिलोसोफर्स के बारे में और उस ज़माने के कुछ हिस्टोरियंस के बारे में जिन्होंने सर सैयद का साथ दिया या फिर इंडिपेंडेंस में जिनका एक बड़ा अहम रोल है, ठीक है। यहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात हो गई, अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तफसील से पढ़ेंगे कि हम लोगों को क्या क्या और किन स्कॉलर्स और किन फिलोसोफर्स को याद भी रखना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इन लोगों को एक मुनसिफाना तौर पर भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है वो बर्बाद कर दी जाती है। तो अपने मोहसिन को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये लोग वो रहनुमा हैं हमारे जिन्होंने हमें हिंदुस्तान दिया और जिन्होंने हमें राह हिदायत दी, ठीक है। इनमें कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हैं, बाकी ज़्यादातर तो सभी आप समझ सकते हो क्या थे। खैर, जो थे उनकी हम बात करेंगे अच्छे अच्छे और जो बुरे हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ तक आपका लीगल मूवमेंट हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, थैंक यू।